जय हिंद दोस्तों। चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना सरका डंपर। अबे लौड़े अपना काम कर खोपड़ी में। तो क्या हाल है आप सभी के, मेरा नाम है सागर। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू ओपन इनपॉट्स। आप घर पे किस तरीके से अपने इनपॉट्स को ओपन कर पाएंगे इजी वे में, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने डीएम कर करके रिक्वेस्ट की थी कि उनको इस तरीके की एक वीडियो चाहिए। अभी हाल ही में आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे से डिमांड की है, तो देखते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स। जैसे कि सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है अर्जुन का, उसके बाद यहाँ पर फैजान है, फिर ब्लिंक है, फिर यहाँ पर आते हैं एली, कार्ले, जेम्स, सैफ अली खान, वीर, हनकोना, शिवम, रिशाद, दर्पण, श्रियांश, बलप्रीत सिंह, मोनीश, शुभम, यश राजन, एम जे नायक, और भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जो मेरे पास लेटेस्ट स्क्रीनशॉट्स थे वो मैंने आपके साथ मेंशन कर दिए। बाकी जिन बंदों का नाम नहीं आया वो चिंता ना करें, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी ले लिया जाएगा। अब जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है फटाफट डीएम करना, और डीएम करने से पहले याद रखना कि फॉलो जरूर कर ले। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके भाई की चौड़ बढ़ा दे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो आपको मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में यहाँ पर इनपॉट्स हैं जिसका मॉडल है iTwelve। ये बिल्कुल अभी सही कंडीशन के अंदर हैं, बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें दोनों तरफ अंदर रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये अभी इस टाइम चार्जिंग मोड पे लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये चार्जिंग पे है। तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पेयरिंग में जा रखे हैं, तो इसको हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है और राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ पर तीन जगह इसमें हुक्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं जहाँ से ये ओपन होगा। तो मैं यहाँ पर ट्वीज़र से खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ट्वीज़र काफ़ी ज़्यादा थिक होती है तो मेरे को यहाँ पर पतला स्क्रू ड्राइवर लेके आना पड़ता है, उसकी मदद से मैं इसको खोलता हूँ। तो आप वीडियो देखिए, मैंने थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो की लेंथ जो है शॉर्ट रहे। तो इसी तरीके से आपको तो खोलना है, वीडियो को केयरफुली देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, और वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। ये एक साइड से निकल चुका है, दूसरी साइड से भी मैं इसको यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम आपको लगेगा लेकिन आपको केयरफुली काम करना ताकि कोई पीस डैमेज ना हो जाए। काफ़ी पेशेंस से आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से ये बाहर आ गया है, एक क्लिप इसकी यहाँ पर है और एक क्लिप इसकी यहाँ पर है। अब दोनों साइड से इसके लॉक ओपन हो चुके हैं, ये इजीली यहाँ पर बाहर आ गया, चार्जिंग केस रिमूव हो गया। पीछे इसमें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी बैटरी लगी हुई है। टूल्स को रखते हैं साइड में। ये देखिए आप ज़रा ढंग से ताकि आपको समझ में आए, ये नीचे की तरफ से इसकी पूरी पीसीबी है, बैक साइड में इसकी बैटरी लगी हुई है। इस सिलेंड्रिकल शेप में इनपॉट्स को रखने के लिए बैटरी को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेस्ट हो रखी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुपर ग्लू से। बटन इसका काम कर रहा है यहाँ पर, पावर बटन, चार्जिंग जैक आप देख सकते हैं, एलईडी देख सकते हैं कहाँ लोकेशन है। अब इसको एक बारी चेक कर लेते हैं पावर बैंक से कि इस टाइम ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको खोलते समय कोई चीज़ हमारे से डैमेज तो नहीं हो गई है, हालांकि मैंने सारी चीज़ें सेफ्टी से करी थी, लेकिन फिर भी इसको एक बारी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरी प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रहा है, तो कोई हमारी चीज़ यहाँ पर डैमेज नहीं हुई है।
इसी तरीके से आपको भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी है ओपन करते समय कि आपसे कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्टली चार्ज हो रहा है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे को DM करते हैं Instagram पे तो प्लीज़ यार फॉलो कर लिया करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरे को DM करते हैं लेकिन जब मैं जाके चेक करता हूँ तो उन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा होता, तो ऐसे में यार मेरा भी मन नहीं करता कि मैं उनकी मदद करूँ। हालाँकि मैं करना चाहता हूँ, मैंने बहुत लोगों की भी है, लेकिन जिन लोगों को मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला होगा तो आप जाके चेक कीजिए कि आपने मेरे को फॉलो नहीं कर रखा। बेसिकली आप मेरे से यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, आपने फॉलो तक नहीं कर रखा, तो यार इस चीज़ को मैं क्या समझूं। तो प्लीज़ यार फॉलो कर लिया करो। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो मेरे को स्टार्टिंग में तो फॉलो करते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो है वो अनफॉलो करके चले जाते हैं। तो यार दोस्तों ऐसे काम मत करा करो। अगर आपको एक्चुअल में हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी की मदद पूरी तरीके से करता हूँ वीडियो कॉल पे और उनको पूरा सॉल्यूशन देता हूँ, और ये आज की डेट में जो वीडियो बन भी रही है ये भी आप ही की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की, और इसकी पूरी सीरीज़ भी मैं आके लेके आऊँगा कि आप इन पॉट्स को कैसे पूरा A to Z इसकी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि हर एक कंडीशन के अंदर क्या चीज़ें आपको रिपेयर करनी है, कैसे रिपेयर करनी है, जितने भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं हर टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका एक स्क्रू लगा हुआ था, वायर को भी यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो को इन्जॉय करते रहिए, जिनके साथ प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिए, जिनके साथ नहीं है वो भी देख लीजिए, नॉलेज की वीडियो, कभी ना कभी तो आपके इनपुट्स में ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको उसको कैसे ठीक करना है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इसकी ओपनिंग बताऊंगा, और आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं जो है इसके बारे में जितने इसके फॉल्ट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर मैंने बैटरी की वोल्टेज चेक करी है, 3.83 वोल्ट इसकी यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज है। अब ये आते हैं ईयरबड्स की, आप ईयरबड्स को कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लाइटली सी एक आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, ये देखिए लाइन दिखाई दे रही होगी, ये इसी क्रैक से यहाँ से ओपन होगा। आपने करना क्या है, बस हल्का सा पुश करना है इसको, ये ओपन हो गया, सिंपल है। ट्वीज़र की मदद से बैटरी को यहाँ से निकाल लेंगे। वीडियो को आप इंजॉय करते रहिए, वीडियो के अंदर मैंने पूरा मेथड बता रखा है। तो यहां से इसी क्रैक का हाथ लगाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको भी पहले वाले की तरह ही आराम से बाहर निकाल लेंगे। दोनों इन पोर्ट्स इस टाइम वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इसको खोल के दिखा रहा हूँ। तब इसको यहाँ से डिसोल्ड कर लेंगे एक बारी, ताकि हम इसके अंदर की PCB निकाल सकें। तो जब तक ये वीडियो में मैं इसको डिसोल्ड कर रहा हूँ, तब तक हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो हमारी पीट्रोन की ईयरफोन की वीडियो थी, उस पे जो था हमने गिव अवे रखा था, 100 लाइक का टारगेट था और 1000 सब्सक्राइबर का था, जो कि आपने कंप्लीट कर दिया है। तो उस वीडियो का मैं गिव अवे करने वाला हूँ आने वाली एक दो वीडियोस के अंदर। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैं उनसे जाके कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो रिजल्ट जो है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर डालूंगा, तो वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और जो भी बंदा गिव अवे जीतेगा उसको मेरे को DM करना पड़ेगा अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ, और वेरीफाई करने के बाद उसके एड्रेस पे मैं उसको भेज दूँगा। और मैं कहना चाहूँगा जो गिव अवे है ये मैं इंटरनेशनली कर रहा हूँ, इंडिया के लिए नहीं है। तो जितने बाहर के बंदे फॉरनर्स हैं, चाहे बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल के, श्रीलंका, कहीं के भी हों, एशिया के अंदर या फिर यूरोप या फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हो, कोई से भी कॉन्टिनेंट से हो, उसको मैं कोरियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी एक दो दिन के अंदर मैं उसका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा।
अब ये जो है इंपोर्ट्स का बॉटम वाला पार्ट, इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी एक ब्लेड, रेजर ब्लेड, और इसके सर्कुलर मोशन में इसको यहाँ से घुमाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि जो इसकी पेस्टिंग है वो रिमूव हो जाए। ये घुमा लिया है, अब ये इजीली बाहर आ जाएगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ब्लेड से एक और बार ट्राई करता हूँ। पेस्टिंग हटी नहीं है। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इसको पुश करूँगा, थोड़ा सा और करेंगे पुश, ये निकल ही आया है बाहर, और मैं इसको ऊपर की तरफ से खींचूँगा और ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको हटाना है दोस्तों। और आप मेरे को बताइए कि आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो। जब तक आपके सजेशन नहीं आएंगे तो मैं बनाऊंगा क्या। अगर मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाता हूं और आपको पसंद नहीं आती, तो उसमें मेरे एफर्ट्स भी लगते हैं, मेरी पूरी मेहनत भी लगती है, और आप लोग उस चीज़ को देखते नहीं हो, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो इसलिए आप ही मेरे को टॉपिक सजेस्ट करो और मैं आप ही की डिमांड पर वीडियो बनाया करूँगा, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को शूट करने में। और अभी इस टाइम मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ, तो इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर टेम्परेचर जो है वो अक्रॉस 40 डिग्री तक पहुँच चुका है, और इस टाइम मैं विदाउट फैन विदाउट एसी इस ऑडियो को शूट कर रहा हूँ, तो पूरा गर्मी में बैठा हुआ हूँ इस टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और वीडियो शूट करते समय मेरे को इसी तरीके से बैठना पड़ता है, तो सोच सकते हो आपकी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यार बस आप एक लाइक कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये दोनों पीसीबी निकली आई हैं बाहर, जो इस चीज़ को ऑपरेट करती हैं, जो हमारे ईयरबड्स के अंदर होती है, और ये इसकी मेन चार्जिंग कैबिनेट की बैटरी है। तो एक बार इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज इसके 3.883 है, और लगभग 4 वोल्ट के आसपास है। और अगर हम छोटी वाली बैटरीज़ की बात करें, जो ईयरबड्स की बैटरी हैं, इनकी अगर हम वोल्टेज चेक करें तो ये भी 4 वोल्ट के आसपास है। और अगर हम सेकंड बैटरी को चेक करें तो इसके जो वोल्ट निकल के आते हैं वो हैं 2.81, तो ये भी लगभग 3 वोल्ट के आसपास है। तो यहाँ पर तीनों बैटरी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपकी जो बैटरी है उसकी वोल्टेज अगर आपको 1 वोल्ट से डाउन दिखाता है, तो फिर दिक्कत की बात है। अगर अब हम इसके स्पीकर चेक करें तो ये स्पीकर जो हमारा ये भी ओके है एकदम, कंटिन्यूटी में चेक कर रहे हैं इसको हम। और अगर दूसरे स्पीकर को चेक करें तो ये भी एकदम ओके हैं, कंटिन्यूटी में चेक करें, दोनों के दोनों एकदम ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। तो ये इसकी मेन पीसीबी आ जाती है, चार्जिंग पीसीबी, जहाँ से इसमें चार्जिंग पास होती है। और ये इसकी मेन पिन्स हैं, जो आपकी पिन्स के साथ टच होता है ईयरबड्स की पिन के साथ। तो यही वो गोल्डन पिन्स हैं जो चार्जिंग देती हैं ईयरबड्स को चार्जिंग केस के अंदर से। अब ये हमारी मेन पीसीबी है जो ईयरबड्स के अंदर लगती है, जिसके अंदर सेंसर और ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, और स्पीकर सॉरी माइक्रोफोन होता है। तो ये इसका माइक्रोफोन है जो सिल्वर कलर का आप देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ इसका सेंसर है, जहाँ से आप कॉल रिसीव पॉज प्ले करते हैं, और नीचे जो आप देख पा रहे हैं वो इसमें चार्जिंग पिन्स हैं गोल्डन कलर की। ये फोकस नहीं हो पा रहा है, ये इसकी चार्जिंग पिन्स हैं, हो जा फोकस, ये देखिए हो गया। तो ये इसकी चार्जिंग पिन्स है, और जो आप ज़िगज़ैग सिल्वर कलर का देख पा रहे होंगे वो इसका एंटीना है, ब्लूटूथ एंटीना। ये जो ब्लू वायर है ये आपकी स्पीकर की हैं, और जो रेड एंड ब्लैक वायर हैं वो आपकी बैटरी की है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यही है इस पीसीबी के अंदर, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसा भी था वो मैंने आपको बता दिया। ये इसकी बॉडी वगैरह है, नीचे मैग्नेट लगे हुए हैं इसमें, ये इसके होल्स हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से उसको ओपन करेंगे, लेकिन अब इसकी आगे वाली वीडियोस में जो मैं इसके पार्ट्स लेके आऊँगा उसके अंदर जिस भी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, मान लीजिए आपका राइट पीस नहीं चल रहा, या फिर लेफ्ट ईयर पीस नहीं चल रहा, या फिर आपका डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो कि पेयरिंग से अलग है,
क्योंकि पेयरिंग की वीडियो जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा, पेयरिंग के अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मेरे को DM करो इंस्टाग्राम के, जैसे मर्जी कांटेक्ट करना है वैसे कांटेक्ट करो, ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट, जो भी आपकी कंप्लेंट रहेगी जिस भी तरीके की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके बनाऊं। क्योंकि जो अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूं उसके अंदर मैं मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। जैसे आपका राइट ईयर पीस नहीं चल रहा हो तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेफ्ट ईयर पीस ना चल रहा हो तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसके ऊपर बना लूँगा। फिलहाल तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपने इस वीडियो को देख के अपने इनपॉट्स को ओपन करके रख लेना है, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप अपनी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकें जल्द से जल्द। और करना क्या है दोस्तों, मैंने बस वही कह दिया कि इस वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना आज प्यार दिखा दें जितना भी भरपूर है, और भाई की चौड़ बढ़ा दो कुछ भी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में बनाने में, नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूँगा यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखा करो और अपना प्यार दिखाओ यार कुछ भी करके, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ, तो बस जो करना जल्दी करो, लाइक हो जानी चाहिए वीडियो कुछ भी करके, और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बता देना ताकि मैं वीडियो बना दूँ, प्लीज़। चलिए बाय। Who hit me, lit me, wanna hit me, chikne lagu zid me, likhne lage zip ye lip me, tere jitne kitne lage git se sikne karu chithde vit pen ja ke chip lege tumhe deta kitni tip me teri tikni sik be teri kidney bikne pe ni milegi hit me kuch dikna big me aage dekhna gig pe hoke vit na sik ke bol dinu pa pikte main bas taun seedha sab ki heart me tabhi lambe gaane bhaage mere heart mein।